ऑथर ऐसे टाइम में तीन ऐसी बेसिक प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से लोग अच्छी तरह नेगोशिएट नहीं कर पाते। दूसरे की फीलिंग को फिजूल कहकर रिजेक्ट करने से सामने वाले के अंदर आपके ऑफर को लेकर और भी ज्यादा खराब फीलिंग आने लगती है। अगर दोनों पार्टीज के बीच अच्छे रिलेशन है तो वे एक दूसरे को कॉम्पिटिटर की बजाय बातचीत में पार्टनर की तरह मानते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है और लोग जल्दी ही आपकी बात के लिए हाँ कर देंगे। जो बात इंडिविजुअल लोगों के लिए सच है, बड़ी बड़ी कंपनी और देशों के लिए भी उतनी ही सच है। यूएसए और मेक्सिको के बीच बातचीत में अमेरिका मेक्सिको की नेचुरल गैस को कम कीमत पर खरीदना चाहता था। इससे मेक्सिको के लोग गुस्सा हो गए और अपनी गैस बचाने के बजाय मेक्सिको गवर्नमेंट ने इसे जलाना शुरू कर दिया। किसी के साथ मिलकर कोई डिसीजन लेते टाइम ये जानने की कोशिश करें कि आपके और सामने वाले के थॉट्स में डिफरेंस कहां रहा है और आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे दोनों के विशेष की रिस्पेक्ट हो सकती है। किसी एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त ये है, आपको आपस में बात करते टाइम हर पॉसिबल सॉल्यूशन पर नजर डालने की जरूरत है। इस तरह अपने बैठना को समझने से आप अपने लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन की तलाश कर सकते हैं। बैठना एक ऐसा तरीका है जो आप दोनों को या कम से कम आपको उन शर्तों को एक्सेप्ट करने से बचा सकता है जिनसे बहुत नुकसान हो सकता है। चेस्टर करास कहते हैं, बिजनेस में आपको वो नहीं मिलता जो आप डिजर्व करते हैं, आपको वो मिलता है जो आप नेगोशिएट करते हैं। इस बुक में आप गेटिंग टू यस बुक से किसी भी नेगोशिएशन में हां तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप मेथड को सीखेंगे। यह बुक हर उस इंसान के लिए है जो खुद को नेगोशिएट करने में एक्सपर्ट बनाना चाहता है, फिर चाहे उसे कोई बिजनेस डील करनी हो या घर के लिए कोई सामान कम कीमत पर खरीद कर लाना हो। इसे रॉजर फिशर, विलियम मुरी और ब्रूस पैटॉन ने लिखा है। रॉजर फिशर अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल के प्रोफेसर थे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की थी। वहीं विलियम यूरी मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। वो दुनिया भर के बहुत सारे कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ पीस नेगोशिएटर काम करते हैं, यानी कि कंपनी में उठने वाले इशू को शांति से डील करने के बारे में गाइड करते हैं। ब्रूस पैटॉन भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हैं और साथ ही विंटेज पार्टनर के नाम की एक कंपनी के को-फाउंडर भी हैं। विंटेज पार्टनर एक इंटरनेशनल कंसल्टिंग कंपनी है जो कि अलग अलग कंपनीज को उनकी नेगोशिएशन स्किल्स को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो इस नेगोशिएशन की आर्ट को मास्टर करने के लिए हम इस पूरी वीडियो को मल्टीपल चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। हर एक चैप्टर हां तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। डोंट बार्गेन ओवर पोजीशंस। अक्सर लोग डील नेगोशिएट करते टाइम बीच में फंस जाते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन विलियम और रॉजर के अकॉर्डिंग नेगोशिएशन जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि ये राइट एग्रीमेंट करने के बारे में है। नेगोशिएट करते टाइम दोनों पार्टीज अपने आप का बचाव करने की कोशिश करती हैं। एग्जांपल के लिए, एक बायर है जो एक गिफ्ट शॉप में कुछ खरीदना चाहता है। बायर बहुत कम दाम के लिए नेगोशिएट करने लगता है, लेकिन सेलर उसके लिए ग्रीन नहीं होता। सेलर नॉर्मल प्राइस का ऑफर देता है, लेकिन बायर को लगता है कि वो अभी भी महंगा है। बायर प्राइस कम करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन सेलर नहीं मानता। वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताकर कम दाम को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और दोनों प्राइस को लेकर बहस करने लगते हैं। इस सिचुएशन को पोजिशनल बार्गेनिंग कहा जाता है। ऐसी सिचुएशन में दोनों पार्टीज अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। आमतौर पर इस तरह की नेगोशिएशन को सही नहीं माना जाता, क्योंकि ये दोनों पार्टीज के बीच के रिलेशन को खराब कर सकता है। जो चीज उनके रिलेशन को बर्बाद कर सकती है वो है उनका ईगो। वो दोनों खुद जीतने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने और एक एग्रीमेंट तक पहुंचने के दो तरीके हैं। इन्हें सॉफ्ट बार्गेनिंग और हार्ड बार्गेनिंग कहते हैं। नेगोशिएट करते टाइम सॉफ्ट नेगोशिएटर किसी झगड़े में ना पड़कर आपसी कॉम्प्रोमाइज, जिसे म्यूचुअल एग्रीमेंट कहते हैं, उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। म्यूचुअल एग्रीमेंट उसे कहते हैं जहां एक नहीं बल्कि दोनों पार्टीज को कुछ न कुछ फायदा जरूर होता है। वहीं दूसरी तरफ हार्ड नेगोशिएटर मोलभाव करने में अड़ा रहता है। वो कभी पीछे नहीं हटता और हमेशा अपने टर्म्स पर डील फाइनल करके जीतने की कोशिश करता रहता है। आमतौर पर सॉफ्ट नेगोशिएटर दूसरी पार्टी को एक दोस्त की तरह देखता है, इसलिए इनके रिलेशन ज्यादातर अच्छे होते हैं। ये लोग हमेशा म्यूचुअल एग्रीमेंट पर जोर देते हैं ताकि दोनों पार्टी सेटिस्फाई हो सके। इसके अपोजिट हार्ड नेगोशिएटर दूसरी पार्टी को एक दुश्मन की तरह देखता है, जिसे वो हर हाल में हराना चाहता है। अगर बायर और सेलर दोनों मोलभाव करने की जिद पर अड़े रहे तो यहाँ दोनों ही हार्ड बार्गेनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉफ्ट बार्गेनिंग में दोनों ही पार्टी एक ऐसे प्राइस तक पहुंचने की कोशिश करती हैं जहां दोनों को कोई ऑब्जेक्शन ना हो। जैसे कि मान लीजिए आपका दोस्त 20,000 रुपए में अपनी बाइक बेचता है, आप उसकी बाइक लेना चाहते हैं ताकि आपको काम पर बस से ना जाना पड़े, लेकिन आप 15,000 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। अब इस सिचुएशन में अगर सॉफ्ट बार्गेनिंग हो तो आप और आपका दोस्त एक एग्रीमेंट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आप 15,000 रुपए का ऑफर देते हैं और अपने दोस्त को समझाते हैं कि आपको बाइक की जरूरत क्यों है, और आपका दोस्त मान जाता है। एंड में आपको बाइक 15,000 रुपए में मिल जाती है।
इसमें आप दोनों सेटिस्फाई महसूस करते हैं क्योंकि बाइक मिलने से आपकी जरूरत पूरी हुई। इसके साथ साथ आपने बाइक खरीद कर अपने दोस्त की भी हेल्प की। आपका दोस्त भी सेटिस्फाई होता है क्योंकि उसे अपनी बाइक के पैसे मिल गए और उसने आपकी भी हेल्प कर दी। इस तरह हमें सामने वाले की सिचुएशन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसे एक एग्रीमेंट तक बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस केस में दोनों पार्टी ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की और एक दूसरे के इंटरेस्ट पर फोकस किया, ना कि सिर्फ खुद की पोजीशन पर। फिजूल की बहस करने से बचे, इसमें सिर्फ आपका ही नुकसान होगा। कई बार दो लोगों में होने वाली बातचीत ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से उसका कुछ भी हल निकालना इम्पॉसिबल होता है। जैसे कि मान लीजिए कि दो कंपनीज के बीच किसी डील को लेकर बात हो रही है, लेकिन शुरू में ही ये पता लग गया कि इस डील में कोई भी पार्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली है, तो इस कंडीशन में बेहतर यही होगा कि आप बेकार की बहस ना करें। पहले ही स्टेप में डील कैंसिल करके बात खत्म करें, क्योंकि ये आपको भी अच्छे से पता है कि यहाँ पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टीज में से कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई भी अपनी हार नहीं मानेगा। ऐसे में अगर यहाँ ज्यादा बातचीत की गई तो हो सकता है कि बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाए और फिर दोनों पार्टीज का रिलेशन और भी खराब हो सकता है, जो कि किसी भी हालत में आपके लिए फायदेमंद नहीं है। इसके अलावा बहस में आपकी एनर्जी और टाइम दोनों ही खराब होता है। इसलिए बेहतर है कि ऐसी चीजों से बचने के लिए शुरू में ही अपनी बात साफ तौर पर रखें और बात को खत्म करें। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि आप इंसानों के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। किसी भी टॉपिक पर जब बात हो रही होती है तो वहाँ हमेशा दो साइड मौजूद होते हैं और दोनों ही अपनी बात को सही साबित करने में लगे होते हैं। ये दोनों ही लोग बात करते टाइम अपना एक्सपीरियंस, वैल्यू और इमोशंस भी साथ में लेकर बैठे होते हैं और जरूरत पड़ने पर इन सब चीजों का अपने हिसाब से इस्तेमाल भी करते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है, किसी एक चीज पर अलग अलग लोगों के रिएक्ट करने का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे कि किसी बात को लेकर हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो, लेकिन सामने वाले को ये इरिटेटिंग लग रहा है। ऐसे में किसी भी डिसीजन को लेने के लिए होने वाली बातचीत के दो फेज होते हैं। पहला फेज जब दोनों पार्टी आपस में सहमति से बात करते हुए किसी इशू का सोल्यूशन निकालना चाहती हैं, जबकि दूसरा फेज वो होता है जब एक पार्टी इमोशनल हो जाती है और बहस के दौरान होने वाली बातों को पर्सनली लेकर रिएक्ट करने लगती है। इन दोनों फेज के बीच बहुत बारीक सा डिफरेंस है। ऐसे में आपको किसी भी टॉपिक पर बात करते टाइम या चीजों का मोल भाव करते टाइम इस बारीक से डिफरेंस को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी डील के दौरान आपका या सामने वाले इंसान का गुस्सा या इमोशनल होना पूरी डील को खराब कर सकता है। इसलिए कभी भी कोई डील या नेगोशिएशन करते टाइम इस बात का ख्याल जरूर रखें कि आप इंसानों के साथ डील कर रहे हैं और उनके पास इमोशंस भी हैं। लोगों को और इश्यूज को अलग रखें, प्रॉब्लम से लड़िए, ना कि उस इंसान से जिसके साथ आप नेगोशिएट करने जा रहे हैं। याद रखें, आपकी किसी भी नेगोशिएशन या डील का टारगेट किसी की हार या जीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि डील का मतलब हार जीत नहीं बल्कि आपसी कॉम्प्रोमाइज है। ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसेस है, ना कि कोई हार जीत का खेल। ये तरीका तभी काम करेगा जब दोनों तरफ के लोग प्रॉब्लम को एक जैसे नजरिए से देखते हुए उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ना कि अलग अलग सजेशन देते हुए खुद को बेहतर साबित करने की होड़ में लगे रहेंगे। कई बार किसी बात को सॉल्व करने के लिए दोनों पार्टी को टेबल के एक साइड में बैठकर बात करना ज्यादा फायदेमंद होता है। ऐसा करने से आपका फोकस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर रहेगा, ना कि प्रॉब्लम को लेकर एक दूसरे को ब्लेम करने पर। ऐसा करने के लिए आपको हमेशा एक दूसरे के लिए कड़वे और खराब वर्ड्स का यूज करने से बचना चाहिए। आप एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करने से बचें। बात कितनी भी बढ़ जाए लेकिन किसी पर पर्सनल अटैक मत कीजिए। किसी के बिहेवियर और उसके नेचर को लेकर कमेंट मत कीजिए, तब भी आप किसी आर्गुमेंट के बिना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपका डिवोर्स हो चुका है, लेकिन आपके छोटे बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी को लेकर आप दोनों को डिसीजन लेना है। ऐसे में आप जब इस बारे में बात करें तो सिर्फ इसी टॉपिक पर डिस्कशन करें, बाकी आपका रिलेशन क्यों टूटा, इसमें किसकी गलती थी, इन सब टॉपिक पर अब बात करना बेकार है। लोग अक्सर मेन इश्यू और अपने फेवर से पर्सनली जुड़ जाते हैं, लेकिन वो उन इश्यूज पर सामने वाले के अनचाहे रिस्पांस, यानी कि जब वो कुछ ऐसा रिस्पांस करता है जो उन्हें पसंद ना हो, तो उसे पर्सनल अटैक की तरह लेने लगते हैं। लेकिन रियलिटी में लोगों को इश्यू से अलग करने से दोनों पार्टीज को अपने पर्सनल रिलेशन को नुकसान पहुंचाए बिना इश्यू को सॉल्व करने में हेल्प मिल सकती है, और इससे आप दोनों को रियल प्रॉब्लम के बारे में क्लैरिटी भी मिलेगी। ऑथर ऐसे टाइम में तीन ऐसी बेसिक प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से लोग अच्छी तरह नेगोशिएट नहीं कर पाते। सबसे पहले दोनों पार्टीज के बीच थिंकिंग को लेकर डिफरेंस होता है। हालांकि ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स फैक्ट्स को अलग अलग तरह से समझने की वजह से होते हैं, इसलिए दोनों लोगों के लिए एक दूसरे के माइंडसेट को समझना जरूरी है। आपको खुद को दूसरे की जगह पर रखने की कोशिश करनी चाहिए। प्रॉब्लम के लिए दूसरों को ब्लेम ना दें। दोनों को ऐसे ऑफर्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो दूसरे को भी अट्रैक्ट करें, क्योंकि दोनों जितना ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि दोनों एग्रीमेंट पर पहुंच पाए। इमोशन लोगों के कॉन्फ्लिक्ट का दूसरा सोर्स है। लोग अक्सर तब डर या गुस्से के साथ रेस्पॉन्स करते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके इंटरेस्ट को खतरा है। तो इस तरह के इमोशन से डील करने में पहला स्टेप उन्हें एक्सेप्ट करना
और उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करना है। दोनों इस फैक्ट को मान ले कि दोनों में कुछ ऐसी बातें होंगी जो एक इंसान को अच्छी ना लगे। दूसरे की फीलिंग को फिजूल कहकर रिजेक्ट करने से सामने वाले के अंदर आपके ऑफर को लेकर और भी ज्यादा खराब फीलिंग आने लगती है। इसलिए दूसरे पर्सन को अपनी फीलिंग को खुलकर एक्सप्रेस करने का मौका दें, जहां जरूरत हो उन्हें माफ कर दें और सिंपैथी दिखाएं। अगली प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन की कमी। जब दोनों पार्टीज एक दूसरे से बात नहीं करते या सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बातें करते हैं, एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे हैं, इसके बजाय मन ही मन अपने जवाब देने का प्लान बना रहे हैं। यहाँ तक कि जब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और समझने के बजाय सिर्फ सुन रहे हैं, तब भी गलतफहमी हो सकती है। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए दोनों एक दूसरे को ध्यान से सुने। कभी कभी जहाँ जरूरत लगे उनकी बात को अच्छी तरह से समझने के लिए उस बात को समराइज करके कन्फर्म कर लें, क्या वो यही कह रहे हैं या नहीं। याद रखें कि दूसरे की बातों को समझने का मतलब उससे एग्री होना नहीं है। हो सकता है कि आप अब भी उनकी कुछ बातों से एग्री ना करते हों, लेकिन ध्यान से सुनने से एक एग्रीमेंट पर आने में हेल्प मिलती है। लोगों से अपनी बात के लिए हाँ बुलवाने में आने वाली प्रॉब्लम से डील करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें क्रिएट होने से रोकना है। अगर दोनों पार्टीज के बीच अच्छे रिलेशन है तो वे एक दूसरे को कॉम्पिटिटर की बजाय बातचीत में पार्टनर की तरह मानते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है और लोग जल्दी ही आपकी बात के लिए हाँ कर देंगे। इसलिए अच्छे रिलेशन बनाने पर ध्यान दें। इंटरेस्ट पर फोकस करें, पोजीशन पर नहीं। एक लाइब्रेरी में दो स्टूडेंट बहस कर रहे थे। एक चाहता था कि खिड़की खुली रहे और दूसरा चाहता था कि वो बंद रहे। वो इस बात को लेकर बहस कर रहे थे, इसे कितनी खुली रखनी है, थोड़ी, आधी या पूरी। दोनों किसी एक सॉल्यूशन पर पहुंच नहीं पा रहे थे। तभी लाइब्रेरी मैडम आती है और वो पहले से पूछती है कि वो खिड़की क्यों खुली रखना चाहते हैं। वो जवाब देते हैं, ताजी हवा के लिए। मैम दूसरे से पूछती है कि वो इसे क्यों बंद करना चाहते हैं। वो कहते हैं, ताकि तेज हवा से मेरे नोट्स ना उड़ने लगे। एक मिनट सोचने के बाद वो दूसरे कमरे की एक खिड़की खोल देती है, जिससे बिना तेज हवा के दोनों को ताजी हवा मिलने लगती है और दोनों खुश हो जाते हैं। इसी तरह आप भी एक अच्छे सॉल्यूशन के लिए दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट को पूरा करने पर ध्यान दें, उनकी पोजीशन पर नहीं। ये कहानी कई लोगों के लिए एक अच्छा एग्जांपल है। ज्यादातर केस में दोनों पार्टीज की किसी एक चीज को लेकर अलग अलग डिमांड होती है। यहाँ पर दोनों को एक एग्रीमेंट पर आने की जरूरत होती है, लेकिन जब वो इसे फिक्स करने के बजाय अपनी ईगो के बारे में सोचते हैं तो सॉल्यूशन मिलने के बजाय प्रॉब्लम और बढ़ने लगती है। जैसे अगर मैम ने सिर्फ खिड़की को खोलने या बंद करने के लिए दोनों की पोजीशन कि कौन ज्यादा फीस दे रहा है इसे देखा होता, तो लाइब्रेरियन उस स्टूडेंट की साइड लेती, जिससे उन दोनों में बहस और बढ़ जाती। लेकिन जब मैम ने ताजी हवा और नोट्स ना उड़ने के दोनों के इंटरेस्ट पर ध्यान दिया तो दोनों एग्री हो गए। ह्यूमन नीड्स को ढूंढें। किसी भी नेगोशिएशन के पीछे बेसिक इंटरेस्ट को ढूंढते टाइम स्पेशली उन बेसिक चीजों की तलाश करें जो सभी लोगों को मोटिवेट करती हैं। अगर आप ऐसी बेसिक जरूरतों का ध्यान रख सकते हैं तो आसानी से एग्रीमेंट पर पहुंचने की पॉसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। अगर कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो दूसरे इंसान से उस पर कायम रहने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। बेसिक ह्यूमन नीड्स में ये चीजें शामिल होती हैं, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अपनेपन की फीलिंग, अप्रूवल की, वो भी कुछ है, किसी की लाइफ पर कंट्रोल। जरा सोचिए, डिवोर्स के बाद एक वाइफ हर महीने 35,000 रुपए की एलिमनी की डिमांड करके रियलिटी में क्या चाहती है। बिल्कुल, वो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहती है। मान लें हस्बैंड की इनकम कम है और वो हर महीने 35,000 नहीं दे पा रहा है और अभी उसकी वाइफ के बेसिक खर्चे 20,000 में हो जाते हैं, तो बात करने पर वो 20,000 पर भी मान सकती हैं। जो बात इंडिविजुअल लोगों के लिए सच है, बड़ी बड़ी कंपनी और देशों के लिए भी उतनी ही सच है। जब तक एक पार्टी ये मानती है कि उनकी बेसिक ह्यूमन नीड्स को पूरा करने में दूसरी पार्टी खतरा बन रही है, तब तक बातचीत से कोई अग्रीड कंक्लूजन निकलना मुश्किल होता है। यूएसए और मेक्सिको के बीच बातचीत में अमेरिका मेक्सिको की नेचुरल गैस को कम कीमत पर खरीदना चाहता था। किसी वजह से यूएस एनर्जी सेक्रेटरी ने अमेरिकन ऑयल एसोसिएशन के मेक्सिको के साथ नेगोशिएट की गई कीमत को मंजूरी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस टाइम मेक्सिको के पास कोई दूसरा अच्छा खरीदार नहीं था। इसलिए उन्होंने मान लिया कि वो मांगी गई कीमत को कम कर देंगे। लेकिन मेक्सिको गवर्नमेंट चाहती थी कि उनको इस डील से न सिर्फ अपनी गैस के लिए अच्छी कीमत मिले, बल्कि अमेरिका उनके साथ रिस्पेक्ट और इक्वालिटी से बिहेव करे। इसलिए उन्होंने अमेरिका की डिमांडिंग कीमत से थोड़े ज्यादा प्राइस पर बेचने के लिए कहा, लेकिन अमेरिका इसके लिए नहीं माना, बल्कि मेक्सिको को उतने ही प्राइस पर बेचने के लिए धमकाने की कोशिश करने लगा। इससे मेक्सिको के लोग गुस्सा हो गए और अपनी गैस बचाने के बजाय मेक्सिको गवर्नमेंट ने इसे जलाना शुरू कर दिया और कम कीमत पर एग्रीमेंट की कोई भी पॉसिबिलिटी अमेरिका के लिए खत्म हो गई। अब अमेरिका को कम कीमत पर वहां से तेल मिलना बंद हो गया। यहां तेल की अच्छी कीमत और उनके साथ रिस्पेक्ट से पेश आना मेक्सिको की बेसिक जरूरत थी। अगर अमेरिका उन्हें धमकाने के बजाय उनके आस्किंग प्राइस पर डील कर लेता तो उसे इस कॉन्फ्लिक्ट का सामना नहीं करना पड़ता और मार्केट से सस्ते में गैस मिल जाती। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले दोनों पार्टीज की विशेष को जरूर जान लें। अक्सर कई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसलिए भी जल्दी नहीं निकल पाता क्योंकि इसमें दोनों की सहमति नहीं बन पाती।
ऐसे में आपको किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए दोनों पार्टीज की खुशी और विशेष को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, आपकी इच्छा किसी बीच पर जाने की है लेकिन आपकी वाइफ हिल स्टेशन जाना चाहती है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप किसी एक ही इच्छा और खुशी का ध्यान रखेंगे तो शायद बेहतर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आप दोनों की चाहत की रिस्पेक्ट करते हुए किसी माउंटेन सी वाले इलाके में घूमने के लिए भी तो जा सकते हैं। यहाँ पर आपका समुन्द्र की लहरों को देखने का भी ख्वाब पूरा हो जाएगा और आपकी वाइफ हिल स्टेशन भी घूम लेंगी। किसी के साथ मिलकर कोई डिसीजन लेते टाइम ये जानने की कोशिश करें कि आपके और सामने वाले के थॉट्स में डिफरेंस कहाँ रहा है और आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे दोनों के विशेष की रिस्पेक्ट हो सकती है। ऐसे में किसी भी डिसीजन को लेने से पहले दोनों पार्टी के विशेष और खुशी को जानने की कोशिश करें। ऐसा करके आप एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। प्रॉब्लम का पूरा सोल्यूशन निकालने से पहले उसके ऑप्शंस पर भी जरूर ध्यान दें। जब दो लोग बैठकर किसी चीज पर बातचीत करके कोई डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं तो ज्यादातर ये पहले ही डिसाइड होता है कि किस तरह का डिसीजन आने पर दोनों लोग खुश रहेंगे। इस वजह से अक्सर जब भी किसी टॉपिक पर डिसीजन लेने के पर्पस से दो लोग बात करने बैठते हैं तो ये पहले से ही पता होता है कि इस बातचीत का एंड रिजल्ट क्या आने वाला है। किसी एक पार्टी की या तो हाँ होगी या फिर ना। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों सीधे सीधे रिजल्ट की बजाय किसी और ऑप्शन के बारे में भी सोचें? इसका जवाब है हाँ। इसके लिए किसी प्रॉब्लम के दो से ज्यादा सॉल्यूशन के बारे में भी सोचिए। सिर्फ हाँ या ना में मत उलझे रहिए बल्कि हर पॉसिबल सॉल्यूशन के बारे में सोचिए। एग्जाम्पल के लिए जब नोबेल प्राइज देने वाली कमेटी किसी को प्राइज देने के बारे में सोचती है तो वहाँ पर एक अवार्ड के लिए कई सारे कैंडिडेट होते हैं और फिर उन सभी कैंडिडेट को अलग अलग क्राइटेरिया में रखते हुए एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। एंड में जो सबसे बेहतर होता है उसे ही अवार्ड के लिए चुना जाता है। ऐसा नहीं होता कि कमेटी सिर्फ किसी एक नाम को लेकर बहस करना शुरू कर देती है कि किसे अवार्ड दिया जाए या किसे नहीं। ठीक इसी तरह सिर्फ एक ही तरह के डिसीजन पर मत डटे रहें। किसी एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं लेकिन इसके लिए शर्त ये है, आपको आपस में बात करते टाइम हर पॉसिबल सॉल्यूशन पर नजर डालने की जरूरत है। कई बार तो इन ऑप्शन में ही बेहतर सॉल्यूशन छिपे हुए होते हैं, बस आपको इन्हें ढूंढकर निकालना है। हमेशा अपने डिसीजन को लेने के पीछे एक मजबूत रीजन रखिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी भी फैसले को लेने के पीछे आपका इंटेंशन कितना अच्छा है या आप कितने लोगों का भला कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप जो भी फैसला ले रहे हैं उसके पीछे का रीजन कितना स्ट्रांग है। आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं क्या आप उसको पूरी तरह से जस्टिफाई कर पा रहे हैं, और अगर जस्टिफाई कर पा रहे हैं तो किस क्राइटेरिया में जाकर जस्टिफाई कर रहे हैं। क्योंकि बिना प्रॉपर क्लैरिफिकेशन के लिया गया डिसीजन किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। ये ना तो आपके लिए बेहतर है ना ही सामने वाले के लिए। मान लीजिए कि आप किसी फ्लैट को खरीदने की डील कर रहे हैं, फ्लैट का ब्रोकर आपकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा दाम बता रहा है। ऐसे में आप उससे सवाल कर सकते हैं कि किस वजह से इस फ्लैट का प्राइस इतना ज्यादा है और क्या वो जिस क्राइटेरिया में फ्लैट के प्राइस को आंक रहे हैं वो आपके लिए वर्थ है। इस तरह आपने उस फ्लैट का जो प्राइस बताया है तो आपके पास भी इसका प्रॉपर रीजन होना चाहिए। आपके पास भी सवाल का जवाब होना चाहिए कि इस फ्लैट का प्राइस आपके हिसाब से इतना ही क्यों होना चाहिए और आप किस क्राइटेरिया में रखकर फ्लैट के प्राइस को आंक रहे हैं, ये भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अपने बैटना को जाने। बैटना का मतलब है बेस्ट अल्टरनेटिव टू ए नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, यानी कि अगर सामने वाला आपकी बात से एग्री नहीं करता तो उस कंडीशन में बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। जैसे अगर आप अपने घर को बेचने का प्लान बना रहे हैं और सामने वाला इंसान आपकी बात पर डायरेक्टली एग्री नहीं कर रहा है तो ऐसे में अपने लिए फायदेमंद सौदा करने के लिए सबसे पहले जरूरी सवाल ये पूछना नहीं है कि आपको क्या मिलना चाहिए बल्कि ये है कि अगर एक फिक्स टाइम तक आपने घर नहीं बेचा तो वो क्या करेंगे। क्या आप इसे तब तक मार्केट में बेचने के लिए रखेंगे? क्या आप इसे किराए पर दे देंगे, इसे तोड़ देंगे और जमीन को पार्किंग में बदल देंगे? किसी और को इसमें बिना किराए के इस शर्त पर रहने देंगे कि वो इसका ख्याल रखेंगे और पेंट आदि करवाते रहें या और कुछ करेंगे? इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नेगोशिएशन करें और देखें कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा फायदेमंद है और उस ऑप्शन को उस ऑफर से कंपेयर करें जो सामने वाला इंसान अभी आपको दे रहा है। जैसे आप अपना घर 50 लाख में बेचना चाहते हैं और डीलर उसे सिर्फ 30 लाख में खरीदना चाहता है, ऐसे में ये हो सकता है कि इन ऑप्शंस को देखने पर आप पाएं कि उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन घर को 30 लाख में बेचने से ज्यादा फायदेमंद है और दूसरी ओर घर को अभी के लिए बेचना ही फायदेमंद है, चाहे इसके 30 लाख ही क्यों ना मिल रहे हों। इस तरह अपने बैठना को समझने से आप अपने लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन की तलाश कर सकते हैं। बैठना एक ऐसा तरीका है जो आप दोनों को या कम से कम आपको उन शर्तों को एक्सेप्ट करने से बचा सकता है जिनसे बहुत नुकसान हो सकता है। बैठना ना सिर्फ एक बेहतर सोल्यूशन है बल्कि नए सोल्यूशन को ढूंढने के लिए फ्लेक्सिबल माइंडसेट के साथ चीजों को देखने की पोजीशन में रखता है। किसी भी ऐसे ऑफर को रिजेक्ट करने के बजाय जो आपकी मेन डिमांड को पूरा नहीं करता है, आप अपने बैठना के साथ एक ऑफर को कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या ये ऑफर आपके इंटरेस्ट को बेहतर ढंग से सेटिस्फाई करता है। आप अपने बैठना को इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। बैठना डेवलप करने के लिए दो अलग अलग ऑपरेशन की जरूरत होती है। उन कामों की एक लिस्ट बनाएं जो आप तब करेंगे
अगर दोनों के बीच एग्रीमेंट नहीं होगा, यानी कि वो आपकी बातों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अपने उन ऑप्शन में से कुछ को रियलिस्टिक बनाने के लिए उन पर काम करना शुरू कर दें। आइए एक एक करके एग्जांपल के साथ इन्हें समझते हैं। पहला, ऑप्शंस की लिस्ट बनाएं। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर साल के एंड तक वो कंपनी आपका प्रमोशन नहीं कर रही है तो आप क्या कर सकते हैं? दूसरी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, दूसरे शहर में जॉब देख सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं या फिर कुछ और कर सकते हैं। लेबर यूनियन के साथ इसके लिए हड़ताल कर सकते हैं ताकि कंपनी आपकी डिमांड को मान ले। इसके अलावा आप मैनेजमेंट से इसके बारे में बात कर सकते हैं, किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन को बीच में ला सकते हैं जो आपकी बात मैनेजमेंट में रखे। दूसरा है, ऑप्शन में से कुछ को रियलिस्टिक बनाने के लिए उन पर काम करना शुरू कर दें। अगर आप दूसरी कंपनी में काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस आइडिया को रियलिटी में लाने के लिए कम से कम एक जॉब ढूंढने के लिए एफर्ट करें। दूसरी कंपनी में जॉब मिले या ये पता होने पर कि वहाँ भी जॉब नहीं मिल सकती है, इससे आपको अपनी अभी वाली जॉब में कैसे रिएक्ट करना है इस बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी। आपका बैठना जितना बेहतर होगा, किसी भी बातचीत किए गए एग्रीमेंट की शर्तों को बेहतर बनाने की आपकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। अगर बातचीत से सहमति नहीं बनती है तो आप क्या करने जा रहे हैं, ये जानने से आपको नेगोशिएशन की डीलिंग में एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आप जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं तो बातचीत को उस टाइम रोकना ज्यादा आसान है जब वो आपके इंटरेस्ट के डायरेक्शन में नहीं जा रही हो। ऐसी बातचीत रोकने से आपकी डिजायर जितनी मजबूत होगी, आप उतनी ही ज्यादा मजबूती से अपने इंटरेस्ट और उस ऑप्शन को दिखा सकते हैं जिसके बेस पर आप मानते हैं कि सामने वाले इंसान को आपकी बात से एग्री कर लेना चाहिए। अपनी बात दूसरे इंसान के सामने रखने का कॉन्फिडेंस आपके ऑप्शन के बारे में दूसरे इंसान के माइंडसेट को डेवलप करता है। अगर आप उन्हें दिखा सकते हैं कि इस ऑफर से दोनों का फायदा है और अगर वो आपका ऑफर नहीं मानते हैं तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है बल्कि उन्हीं का है, क्योंकि आपके पास तो इस चीज को पाने का बैकअप ऑप्शन मौजूद है, तो आपके ऑफर को मानने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। तो ये थी गेटिंग टू यस की बुक समरी। आइए हमने जो कुछ भी सीखा है उसे वापस से रिवाइज कर लेते हैं ताकि इनको इम्प्लीमेंट करना आपके लिए आसान हो। दोनों पार्टीज एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और एक दूसरे के इंटरेस्ट पर फोकस करें, ना कि सिर्फ खुद के इंटरेस्ट पर। कोई भी डील करते टाइम इस बात का ख्याल जरूर रखें कि आप इंसानों के साथ डील कर रहे हैं और उनके पास इमोशंस भी हैं। प्रॉब्लम से लड़िए, ना कि उस इंसान से जिसके साथ आप नेगोशिएशन करने जा रहे हैं। इंटरेस्ट पर फोकस करें, पोजीशन पर नहीं। इसके लिए लाइब्रेरियन और उन दो स्टूडेंट्स की स्टोरी को याद रखें। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले दोनों पार्टीज की इच्छा को जरूर जान लें। प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन निकालने से पहले उसके ऑप्शन पर भी जरूर ध्यान दें। हमेशा अपने डिसीजन को लेने के पीछे एक मजबूत रीजन रखिए और अपने बैठना यानी कि बेस्ट अल्टरनेटिव टू ए नेगोशिएटेड एग्रीमेंट को हमेशा ध्यान में रखें कि अगर एक बार में बात नहीं बनी तो आपके पास क्या ऑप्शन है। थैंक यू दोस्तों। अगर आप बुक समरी में यहाँ तक हैं तो इसका मतलब यह है कि आप भी हमारी तरह किताबों से बहुत प्यार करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आप हर हफ्ते हमारी दो नई बुक समरीज को जरूर देख सकें। इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप कोई बुक समरी हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।